ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हमारे जीवन में प्रकाश को निरंतर फैलाता है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा नदी धरती पर आई और लोगों के पाप धोने के लिए निरंतर काम कर रही हैं, हमें पुण्य प्रदान कर रही हैं। तो गंगा दशहरा का क्या महत्व है, गंगा दशहरा के दिन आप क्या करें क्या ना करें, इस पर विस्तार से पंडित जी से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 16 जून 2024 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:13 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा सायंकाल 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। पंडित जी, आज का जो हमारा यूथ है, युवा है, वो गंगा माँ को, गंगा नदी को समझना चाहता है, तो आज के जमाने के हिसाब से माँ गंगा का क्या महत्व है? देखिए, भारतीय परंपरा में हम प्रकृति की पूजा करते हैं और जितना हम मनुष्यों को, इंसानों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उतना ही नदियों, पर्वतों, पहाड़ों को, वृक्षों को, इन सब को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। और इसी क्रम में भारत में हम नदियों को भी माता का दर्जा देते हैं। तो गंगा नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, कौन है गंगा? देखिए, गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से हो करके गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में गंगा को गंगा नदी नहीं कहते, गंगा माता या माता गंगा कहते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी का जो जल है ये पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा नदी को और इसके जल को इतना पवित्र मानते हैं कि हर शुभ कार्य में इसका प्रयोग करना आवश्यक होता है और मृत्यु के समय में लोगों के मुख में गंगा जल डालते हैं। ऐसा मानते हैं कि गंगा जल ग्रहण करके अगर मृत्यु होगी तो व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। गंगा नदी को मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि हर हिंदू को जीवन काल में एक बार गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए ताकि उसके पापों का नाश हो, उसके अंदर पवित्रता और पुण्य शक्तियां बढ़ सकें। सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, इस मौके पर माँ गंगा में स्नान करना, माँ गंगा का पूजन करना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। ऐसे समय में पंडित जी माँ गंगा के पौराणिक महत्व को समझना हम सब के लिए जरूरी है जी। तो माँ गंगा का पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, गंगा नदी इतनी महत्वपूर्ण है हमने समझा, और हिंदू परंपरा इसको अत्यधिक पवित्र मानती है। पुराण क्या कहते हैं, गंगा के पीछे की कथाएं क्या हैं और गंगा का इतना ऊंचा स्थान क्यों है? देखिए, माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भगीरथ ने तपस्या की अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए, और जब महाराज भगीरथ ने अटूट तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव ने ये आश्वासन दिया कि जब गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से निकलकर धरती पर चलेंगी तो मैं उनके वेग को, उनकी शक्ति को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। बाद में भगवान शिव ने अपनी जटाओं की गंगा को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। गंगा की 7 धाराएं हैं जो भगवान शिव की जटा से निकलती हैं, नलिनी, हृदनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी को ही आगे चल करके गंगा कहा गया। इन 7 धाराओं में जिस धारा के हम लोग संपर्क में हैं या जो धारा हम देख पाते हैं, भागीरथी वही दरअसल गंगा है, और ये हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी जाती हैं।
कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया है पुराणों में, शास्त्रों में, कथाओं में कि गंगा माता पार्वती की बहन हैं और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गंगा ने भी तपस्या की थी, ऐसा कहा गया है। इसीलिए इनको कहीं कहीं पर शिव जी की अर्धांगिनी माना जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शिव गंगा को ज्यादा स्नेह देते थे, इसलिए पुराणकारों ने ऐसा कहा कि शिव जी ने गंगा को अपने सर पे चढ़ा लिया है और प्रतीकात्मक रूप से गंगा उनकी जटाओं में दिखाई जाती है और अभी भी शिव की जटाओं में इनका वास है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की समस्या का हल निकल जाएगा, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, परिवार की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त है आपके सवाल का, यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि अगर आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताते हैं। और आगे शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि उसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न संगीता यादव जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 18 जनवरी 2002, 8:56 प्रातः, गुड़गांव, हरियाणा।
ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा, क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी मिल पाएगी। संगीता जी, आप अपनी पुत्री को ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की तैयारी करवाएं या बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करवाएं, एसएससी सीजीएल या बैंक की नौकरी की अगर ये तैयारी करें तो साल 2026-27 में इनको अपने करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान इनको रखना चाहिए, तो आप इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, गंगा दशहरा के पावन पर्व में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में पुण्य बढ़े, पापों से मुक्ति मिले। पंडित जी, गंगा दशहरा हम सबको कैसे मनाना चाहिए, गंगा दशहरा की महिमा क्या है? गंगा नदी की महिमा तो हमने समझ ली, गंगा नदी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पर्व है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा की महिमा क्या है? गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को। अब देखिए, ज्येष्ठ का महीना प्रचंड गर्मी का महीना और गंगा जीवनदायिनी जल देने वाली नदी, यानी आपको गर्मी के इस प्रचंड मौसम में नदियों का जल का मूल्य समझाने के लिए इसी महीने में गंगा दशहरा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना, अन्न वस्त्र और भोजन का दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। अब देखिए, आप ये सोचते होंगे कि क्या पाप करने के बाद या गलतियां करने के बाद किसी नदी में नहाने से पाप मुक्ति हो जाती है? इसके प्रतीक को समझिए। देखिए, गंगा कहाँ विद्यमान है? शिव की जटाओं में। यानी जब आप गंगा को भगवान शिव के साथ रख करके साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से आपको मोक्ष मिलता है। गंगा का अस्तित्व धरती पर शिव के बिना नहीं है और शिव चूंकि गंगा की शक्ति में समाहित हैं, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है कि गंगा नदी में स्नान करें और शिव का ध्यान करें, शिव की तरफ चलने का प्रयास करें, तब आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। आप गंगा नदी में जाके बिना किसी भावना के और बिना उसके महत्व को समझे हुए डुबकी लगा लेंगे और उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मोक्ष इतना आसान नहीं है, इसलिए इस बात को समझ लीजिए। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, खान पान में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए
और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। पंडित जी, गंगा दशहरा के दिन जो लोग गंगा नदी के आसपास रहते हैं वो तो मनाते ही हैं, गंगा में स्नान भी करते हैं, जो लोग दूर रहते हैं सबको जो है गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए? अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए, इस दिन पूजा पाठ के नियम क्या हैं, विधान क्या है। किसी पवित्र नदी में नहाएं और अगर भाग्यवान हैं, गंगा नदी आपके घर के आसपास है, आपके शहर में है, तो गंगा नदी में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ या तो जल में जरा सी चुटकी भर डालें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें। मगरमच्छ पर बैठी हुई, हाथ में अमृत का कलश ली हुई, वरदान देती हुई, श्वेत वस्त्रों में माता गंगा का स्वरूप है, उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूजा में जो सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। 10 तरह के फल, 10 फूल, 10 तरह की मिठाइयाँ, या एक ही मिठाई 10 ले लें, एक ही फल 10 ले लें, एक ही फूल 10 ले लें, और विशेष रूप से 10 दीपक जलाए जाते हैं गंगा के किनारे या पवित्र नदी के किनारे। दान के बारे में कहा गया कि 10 ब्राह्मण को दान करें, लेकिन कुल अनाज जो दान करेंगे वो 16 मुट्ठी होंगे। आप चाहें तो एक ब्राह्मण को भी 16 मुट्ठी या एक निर्धन व्यक्ति को भी 16 मुट्ठी का दान कर सकते हैं, और अगर सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो 10 लोगों को दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, गंगा का जो जल होता है, गंगा जल, हम लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, वहाँ से लेके आते हैं, सालों तक रखा रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। दूसरे पानी को, जल को रख दीजिए आप, तो कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है। तो गंगा जल की आखिर ऐसी क्या महिमा है, ये खराब क्यों नहीं होता है? माना जाता है कि गंगा नदी का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगा नदी के अंदर पवित्रता हमेशा बनी रहती है और बहुत जगहों पे गंगा जल को औषधि की तरह, दवाई की तरह प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, सब पवित्र हैं, सबको नमस्कार है, लेकिन जो बात गंगा जल में है कि सालों साल रखने के बाद इसका जल पवित्र रहता है, खराब नहीं होता, ऐसा क्यों है? देखिए, गंगा के पीछे सारा जो खेल है ना, जिन स्थानों से होकर गंगा गुजरती है, दुर्गम स्थानों से, पर्वतों के बीच से,
उन पर्वतों में, उन स्थानों में ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तपस्या की है और लाखों करोड़ों मंत्रों का जप किया है। उन हजारों सालों की तपस्या और लाखों करोड़ों मंत्र का जप, उसकी तरंगें निरंतर आज भी उन स्थानों पर मौजूद हैं और वो तरंगें जल में घुल मिल जाती हैं। गंगा के मॉलिक्यूल्स, गंगा के परमाणु बदल जाते हैं उन इलाकों से गुजरते ही, क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और इसीलिए गंगा का जो जल है वो पवित्र हो जाता है। गंगा जल के निकलने का, गंगा नदी के निकलने का, मूव करने का रास्ता अगर किसी तरह से बदल दिया जाए तो गंगा जल के अंदर वो पवित्रता नहीं रह जाएगी। ये पवित्र है क्योंकि इसके अंदर ऋषि मुनियों के दैवीय तरंगें पाई जाती हैं, अपूर्व मंत्र जप की शक्तियां गंगा नदी के जल में छिपी हुई हैं। आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा के दिन आप कैसे इस पावन पर्व को मनाएं ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े, सुख बढ़े। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो गंगा के किनारे रहते हैं ना किसी नदी के किनारे रहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे इस पावन पर्व को मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि व्यस्तता है, नौकरी है, व्यापार है, या हमारे शहर में गंगा नदी नहीं बहती है, या हमारे पास समय नहीं है, हम नदी तक नहीं जा पाते हैं, तो गंगा दशहरा पर क्या करें, कैसे लाभ उठाएं? घर में ही शीतल जल से, नॉर्मल पानी से स्नान करिए और जल में, बाल्टी के एक बाल्टी पानी में जरा सा गंगा जल मिलाइए, या गंगा जल भी नहीं है तो तुलसी के पत्ते डाल दीजिए दो चार और उस जल से आप नहाइएगा। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करिए और जैसा पहले भी कहा कि माता गंगा का जो स्तोत्र है उसका पाठ करिए या उनके मंत्रों का जप करिए, जैसा आपको उचित लगे। और निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को मंत्र जप करने के बाद, पूजा करने के बाद अन्न का दान करिए। देखिए, गंगा दशहरा आप मनाएं और भगवान शिव को भूल जाएं तो लाभ नहीं होगा। गंगा की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो शिव के मस्तक पर है। सांपों की पूजा नागपंचमी पर इसलिए होती है क्योंकि वो शिव के आभूषण हैं, उनका अस्तित्व शिव की कृपा से है। इसलिए आप गंगा का ध्यान करें, गंगा को नमस्कार करें, शिव के मस्तक से निकलती हुई गंगा की पूजा करें और भगवान शिव का भी ध्यान करें, भगवान शिव की भी पूजा करें तो गंगा दशहरा आपके लिए शुभ होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा,
आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर का काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 3, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आज दान करते हैं, तो स्वास्थ्य की और धन की समस्याएं हल होंगी। अब सवाल की बात कर ले। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगला प्रश्न स्पर्श मणि भट्टाचार्य जी ने लिखा है। स्पर्श मणि भट्टाचार्य जी पटना से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 10 जुलाई 1998, 1:10 दोपहर को, पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा होगा और विवाह की स्थिति कैसी रहेगी। स्पर्श मणि जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो शिक्षा या चिकित्सा या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकती हैं। करियर की स्थिति इनकी बहुत बेहतर है। विवाह होगा उम्र के 28 साल में, यानी वर्ष 2026 में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। इनका करियर बेहतर हो, विवाह की स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहना दें। और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास?
बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को सुबह जल चढ़ा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई खरीदारी करनी है, वाहन, भवन, आभूषण, बड़ी खरीदारी करनी है, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। सारे काम बनेंगे, कार्य में सफलता मिलेगी, मन आपका प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।